लेकर जिलाधिकारी की ओर से लगातार हर दिन एक नई योजना तैयार की जा रही है। सत्यम से खास बात करते हुए जिलाधिकारी ने कोविड-19 को लेकर क्या योजना बनाई है, इसके बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैनपुरी की जनता को हर संभव सुरक्षा और स्वच्छता प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अचानक नगर के कृष्णंद राय पर चेकिंग करते हुए पहुंचे जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने सत्यम से खास बात की है और उन्होंने कोविड-19 को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश अधीनस्थों को दिए गए हैं, यह जरा आप भी सुनिए। प्रधान साहब ने और सभी अधिकारियों ने 25 मार्च से ही ये इंश्योर किया हुआ है कि डोर टू डोर ही सप्लाई करानी है। हमारे सोशल वॉलंटियर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, जो थोक विक्रेता हैं, फुटकर विक्रेता हैं, सबके पास वगैरह बनाए हुए हैं हमने और डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी करा रहा है, जहाँ से भी कोई भी कॉल आ रही है वहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, अपने आप भी हर गांव पहुँच रहे हैं। हमारे लेखपाल, सचिव, जितनी हमारी टीम है सब लगी हुई है इसमें। उद्देश्य यही है कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो, डोर टू डोर सप्लाई हो, राशन की, खासकर राशन की, सब्जियों की। और हमने लगभग 1000 जो हमारे 1000 ठेले हैं हमारे यहाँ, राशन के विक्रेता हैं हमारे यहाँ पे, वो घर घर जाके पहुँचा रहे हैं उचित दर पर। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, रेट हैं, उनके फिक्स कर दिए गए, अधिकतम ये रेट है, उसी दर पर पहुँच रहे हैं। हमने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी जो सूचनाएं हमने पहुंचा रखी हैं, तो लोग बहुत कम कॉल आ रही हैं, लेकिन कॉल सेंटर भी हमारा एक्टिव है, स्वास्थ्य विभाग का भी कॉल सेंटर एक्टिव है और पुलिस प्रशासन पूरा इसमें लगा हुआ है। लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोग सुरक्षित रहें, मैनपुरी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ से बहुत कठोर सख्ती है और बॉर्डर्स को टाइटली सील कर दिया गया है। सख्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वैसे काफ़ी अपील करने के बाद लोग खुद भी जागरूक हुए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी सख्ती के का कोई विकल्प नहीं है और वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ सप्लाई, जो ज़रूरी सप्लाई आइटम्स है वो आराम से सप्लाई हो रहे हैं। रेट बहुत ही नॉर्मल रेट्स हैं, कोई ओवर प्राइसिंग नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी नहीं हो पा रही है। तो उस सबका सम्मिलित प्रभाव यही है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन बिल्कुल सफल है और उसका आप प्रभाव भी देख रहे हैं। सर, आपकी तरफ से देखा जा रहा है जो जो निर्देश सारी जनता को है, वही पुलिस कर्मियों को भी बार बार उसको अपील की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, ब्रीफिंग की जा रही है पुलिस लाइन में, उनको मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी सभी को दिए गए हैं और अब हम लोग PPE भी परचेज करने के और उसको प्राप्त करने के स्टेज में हैं कि आगे कोई और दिक्कतें हों तो हमारे पुलिसकर्मी किसी चीज़ को हैंडल करने से पहले खुद को सेफ कर लें, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र इत्यादि की व्यवस्था सभी को पर्सनली